गरियाबंद में कोरोना पेशेंट के साथ बहुत ही दुखदाई है। एक तो मरीज दूसरी ओर रोजाना बासी खाना परोसा जा रहा है, जबकि मरीजों को अच्छा भोजन और उनके स्वास्थ्य के लिए सोना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पर बेचारे पेशेंट तो हर हमेशा बासी भोजन एवं खराब खाना दिया जाता है। बासी खाना खाने से मरीजों को कभी भी दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ सकता है। वहीं पर देखने वाला कोई नहीं है। कलेक्टर द्वारा जाँच टीम गठित किया गया है, मगर क्या हो रहा है? सब अधिकारी कर्मचारी अपनी जेब भरने में लगे हैं। जांच टीम क्या कर रही है? गरियाबंद जिला प्रशासन के सुस्ती के चलते ही सब हो रहा है। बस फोटो डाला जाता है कि आज निरीक्षण किया गया, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। जिला प्रशासन केवल अपनी वाहवाही करती रहती है, जमीनी स्तर पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। प्रशासन ठेकेदारों को बचाने का प्रयास क्यों करती है? ठेकेदार की मनमानी हमेशा कोविड मरीजों को भुगतना पड़ती है। ठेकेदारों को प्रत्येक नग थाली में अच्छी कीमत दी जाती है, जिसमें मरीजों को सेहतमंद भोजन मिले। खाने की क्वालिटी एकदम खराब होने के कारण खाना खाने लायक भी नहीं है। इससे मरीजों की हालत ठीक होना तो दूर है, खराब खाने के कारण तबीयत बिगड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, जिसके बावजूद उनकी हालत दिन पर दिन सुधारना कम जिसके बावजूद उनकी हालत दिन प्रतिदिन सुधरना कम बिगड़ने की संभावना ज़्यादा है। खराब भोजन से समझ में नहीं आता कि प्रशासन ठेकेदारों के ऊपर इतनी मेहरबान क्यों है। कुछ नहीं होने वाला। कहाँ है महाराज की कते कते कतेगा? और कुछ नहीं होने वाला है। रहते जाने साले ला नाम लिखवा सकती है।